मार पिटाई होगी, मार पिटाई होगी, तो अपनी भी कुटाई हो जाएगी ढंग से। हाई लेवल की सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर में। मैं भाई परिंदा ये पर नहीं मार सकता, दिमाग की दही हो गई। और सामने खूबसूरत वादियाँ, इतना एक्सपेक्टेड, इतना सोचा रहता था मैंने कि धूल है। फ्री कटोल, फ्री कटोल, फ्री कटोल भाई, लेकिन अटल टनल से तो बेटर नहीं है ये। अटल टनल इज द बेस्ट, बेस्ट एम बेस्ट। बदबू से सामना, वैसे उन टनल में रह रहे के नाक सड़ जाती है थोड़ी सी। और श्रीनगर की जो गाड़ियाँ हैं भाई, वो छोटी छोटी जो मिनी बसेस होती हैं, इतना पॉल्यूशन फैलाती हैं कि उस। शानदार सनसेट होता हुआ, गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरी पर्वत फोर्ट। कल हम थे डल लेक में और टाइम स्पेंड किया हमने, और आज हमने सोचा कि आज के दिन की शुरुआत हरी पर्वत से की जाए। तो थोड़ा सा डिसपॉइंटेड हूँ मैं यहाँ आके, क्योंकि टिकट प्राइस था 50 रुपये, और लोग उसकी मेंटेनेंस को देख के कुछ भी कर नहीं रहे मेंटेनेंस को। जगह जगह पे बॉटल्स पड़ी हुई हैं, लेस के रैपर पड़े हुए हैं। गलती तो दोनों की है, एडमिनिस्ट्रेशन की और सिविलियंस की, जो यहाँ आते हैं अपना एंजॉय करते हैं और फिर निकल लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए कि क्लीनलीनेस करें, साफ सफाई रेगुलरली करते रहें। और लोगों की जिम्मेदारी ये है कि अगर आप एज ए पिकनिक स्टॉप पॉट आ रहे हो तो एटलीस्ट साफ सफाई का ध्यान रखो। बाकी इस पॉट की खासियत ये है कि यहाँ एक मंदिर है, एक मस्जिद है और एक गुरुद्वारा है, और साथ ही साथ है हमारे देश का झंडा, ये जो कि अभी फ़िलहाल तोड़ नहीं रहा। कल रात को बहुत अच्छा लग रहा था, तभी हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ आएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुबह सुबह थोड़ी बहुत बारिश हो गई है, जिसकी वजह से बादल हैं और उमस इतनी ज़्यादा है कि पूरी टी शर्ट गीली है अंदर से बाहर तक, चेहरे पे पसीना ही पसीना है। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं डल लेक का व्यू, नगीना लेक का व्यू, जो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, और जो सिटी का व्यू है वो इसकी बात कर रहा था। गाइस देखिए, लोग बैठे एंजॉय किया उसके बाद चले गए गंदगी फैला के। तो ये है फोर्ट से व्यू, ये जो बड़ी सी लेक है ये है डल लेक, और ये जो छोटी वाली लेक है ये है नगीना लेक। और आप देख सकते हैं कि व्यू कितना ही ब्यूटीफुल है, और पूरी की पूरी श्रीनगर सिटी यहाँ से दिखती है। और अभी तो बादल आ रखे हैं, एक तो यहाँ से थोड़ा सा व्यू आ गया सिटी का, बाकी व्यू इस खिड़की से आता है सी। और बस हमें जल्दी से निकलना है यहाँ से, क्योंकि 2 बजे ही लास्ट टाइम है श्रीनगर क्रॉस करने का, तो हम कोशिश करेंगे उससे पहले निकल लें। और जो आज का ब्रेकफास्ट था वो भी चला गया, उसको जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तभी हम कुछ खाएंगे पिएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर से हमें श्रीनगर रुकना पड़ जाएगा। तो गाइस ये था हरी फोर्ट श्रीनगर का। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज बताइएगा। नो डाउट ग्रीनरी बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे बहुत सही लग रहे हैं, लेकिन फोर्ट की साफ सफाई में ध्यान नहीं दिया। फाइनली हम लोगों ने चेक पोस्ट क्रॉस कर दी 12:30 बजे, और अभी थोड़ा नॉन स्टॉप चलाएंगे, क्योंकि पता नहीं है कि आगे कोई चेक पोस्ट है भी कि नहीं है। जम्मू यहाँ से 240 किलोमीटर दूर है, और भाई पता चला आज जीवन में पहली बार कि क्या हाई लेवल की सिक्योरिटी है जम्मू कश्मीर में। मैं भाई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतना एक्सपेक्टेड, इतना सोचा रहता था मैंने कि इस लेवल का आर्मी खड़ी होगी। नींद सी आ रही है, नींद तो नहीं आलस आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 किलोमीटर से ये एक ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन से खड़े हैं, पता नहीं क्यों रुका हुआ है। बस डर इस बात का है कि हमें ना रोक दें, आज तो हमें उधमपुर या कम से कम पठानकोट पहुंचना ही पहुंचना है, नहीं तो कल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाएगा। भाई की गड्डी में 3 कंट्री का झंडा है, एक तो भाई अपना कनाडा,
एक अपना ऑस्ट्रेलिया और एक भाई अपना इंग्लैंड। तीनों को ही भाई से बहुत प्यार है, तभी तीनों कलर के झंडे लगा रखे, लेकिन भारत देश का झंडा नहीं लगाया, दिल्ली है 792। और लगता है कि पहाड़ी इलाका चालू होने वाला है, साए साए करके गाड़ी चलाने का मौका मिलेगा अब थोड़ा सा। अपना ये वाला है चौड़ा बनाया हुआ है काफी, पेनियाल काजीगुंड टनल में हम एंट्री करने जा रहे हैं। शानदार। बहुत ज्यादा पोल्यूशन, बहुत ज्यादा साउंड, और लोग ओवरटेक में ओवरटेक किए जा रहे हैं, और लिखा हुआ है कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड भाई। लेकिन अटल टनल से तो बेटर नहीं है ये, अटल टनल इज द बेस्ट, बेस्ट एम बेस्ट। घाट एरिया चालू, अब आवी का मजा। और वो रहा ट्रैफिक जैम, पर हमारे पास बुल्ट है, बुल्ट हम निकल जाएंगे, अपन को टेंशन नहीं। टोल ना देने के अलावा बाइक होने का एक और फायदा, आपको ट्रैफिक से भी ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। मारी पिटाई होगी, मारी पिटाई होगी, रोड रेज हो गया भाई, रोड रेज हो गया पीछे तो, लेकिन हम फंसेंगे नहीं, हमें निकलना है आगे, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में कहीं मुझे भी कूट दिया तो अपनी भी कुटाई हो जाएगी ढंग से, इसलिए हम आराम से निकालते रहते हैं बाजू बाजू से। तो ये था बेनिहाल, पूरा का पूरा ट्रैफिक से जाम है, और रॉन्ग साइड चलना छोड़िए, रॉन्ग साइड घड़ी की हुई है गाड़ी, दिमाग की दही हो गई, इतना दिमाग खराब हुआ है कि जो ग्लव्स थे राइडिंग ग्लव्स उनको उतार करके मैंने बैग में रख दिए, क्योंकि दर्द होने लग गए थे हाथ। बट अब वी आर फ्री बर्ड, और सामने है खूबसूरत वादियाँ। अब बस कहीं रुक के आज का लंच करना है, क्योंकि 3 बज रहा है। सो गाइस, हम लोग अपनी दूसरी पार स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी हम रामबाग में ही हैं जहाँ पे हमने किया था अपना ब्रंच, लेकिन टेस्ट काफ़ी बेकार था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप श्रीनगर की तरफ से आ रहे हैं तो रामबाग के स्टार्टिंग में ही आपको एक वैष्णो ढाबा मिलेगा, ढाबा कह लीजिए, रेस्टोरेंट कह लीजिए, नाम तो ढाबा है लेकिन रेस्टोरेंट जैसा है। तो वहाँ मैंने खाया था और मुझे टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी, इन द सेंस कि मुझे थोड़ा सा खाना छोड़ना पड़ा, बेसिकली सब्जियाँ मुझे छोड़नी पड़ी, और रोटियाँ भी बिल्कुल पापड़ जैसी थी। तो अगर आप इस साइड आ रहे हैं तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा उसमें खाने के लिए, उससे अच्छा यार आप चॉकलेट खा लो, मैगी खा लो, बाकी रामबाग में धूल ही धूल है। थोड़ा सा यहाँ क्रॉस करते हैं, थोड़ी साफ सुथरी हवा में आते हैं, फिर बात करते हैं आपसे, सफोकेशन सी हो रही है क्योंकि यहाँ पे। वन मोर टनल, चिनानी टनल, बदबू से सामना। तो ये थी चिनानी टनल, वैसे उन टनल में रह रहे के नाक सड़ जाती है थोड़ी सी, पता नहीं वो कार वाले को क्यों पीछे कर दिया, भलमानुष तो था इतना। जम्मू से आने का परिणाम ये देखो, धूल है। पूरे कपड़े धुलम धुल हो चुके हैं, चेहरा तो छोड़ो, एक कपड़ों में एक वाइट कलर की लेयर चढ़ चुकी है, जो दिखा रही है कि हम किस रास्ते पे गाड़ी चला के आए अभी, और अभी माथा बिल्कुल ठनक चुका है बहुत बुरी तरीके से।
यहाँ से तो गाड़ी चलाने का मन कर नहीं रहा, लेकिन देखो कहाँ तक चलाते हैं। कोशिश तो पूरी है कि पठानकोट जाएं हम। अरे यार क्या क्या टाइम लगे हुए हैं इतना। और दिक्कत की बात सबसे बड़ी ये है कि इस रूट पे सबसे ज़्यादा ट्रक चलते हैं। अब तक हज़ारों लाखों ट्रक हमें क्रॉस कर चुके हैं। और मैं आपको दिखाऊं, गाड़ियों से ज़्यादा ट्रक की लाइन है। और अभी ये तो चिनानी टनल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं अपना। बाकी हम उधमपुर के आसपास है, उधमपुर यहाँ से 24 किलोमीटर बचा हुआ है। और फिर उसके बाद अगला पड़ाव करेंगे हम पठानकोट का, देखते हैं क्या होता है। That you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling, calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh. शानदार सनसेट होता हुआ, अमेजिंग। फ्री कटोल। तो हमें जाना है पठानकोट 117, जम्मू यहाँ से राइट हो जाता है। सो गाइज, डे एक्स प्लस 4 का एंड होता है पठानकोट के एक छोटे से होटल में। आज की राइड भाई, श्रीनगर से हम चले इस उम्मीद में कि आगे जाके जब हम बॉर्डर क्रॉस कर देंगे श्रीनगर का, तब जाके कहीं कोई अच्छा रेस्टोरेंट ढाबा मिलेगा तो वहाँ आप ब्रेकफास्ट करेंगे। बड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन रामबन तक कुछ भी नहीं, यानी कुछ भी नहीं। छोटी मोटी दुकानें थी मैगी चाय की, लेकिन कोई भी एवरेज कह लीजिए या 1-स्टार रेस्टोरेंट भी नहीं था। इसके अलावा रोड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इन द सेंस जो स्मूथनेस था, गड्ढे अड्ढे नहीं है रोड में। लेकिन भाई इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, इतना ज़्यादा कीचड़, भाई पूछो मत। पूरे चेहरे और कपड़ों में कोटिंग हो चुकी है। और टनल का हाल ही बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा। 8-9 किलोमीटर लंबी टनल है और इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा शोर है उनके अंदर। वेंटिलेशन का कोई इंतज़ाम नहीं है। अगर वहीं अटल टनल की बात की जाए, कितना अच्छा बेहतरीन वेंटिलेशन किया हुआ, लाइट्स हैं। और श्रीनगर की जो गाड़ियाँ हैं भाई, वो छोटी छोटी जो मिनी बसेस होती हैं, इतना पोल्यूशन फैलाती हैं कि उसके पीछे आप खड़े नहीं रह सकते। मैंने जैसे तैसे सभी को ओवरटेक किया है कि भाई इनके पीछे तो नहीं खड़े होना। और वो सब जब टनल में घुस के आपको धुआं फैलाती है ना, तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है। जैसे जैसे हमने 10-15 मिनट काटे टनल क्रॉस किए, बाकी ओवरऑल राइड ठीक थी। लेकिन हमें दो चीज़ों का अफसोस हो गया कि एक तो हमने अपनी मदर के लिए शॉल ले पाए श्रीनगर से, और ना ही सेब और नाशपाती की पेटियाँ। सोचा था कि किसी रोड साइड गार्डन में रुक के कहीं पता करेंगे, लेकिन रोड साइड कोई गार्डन दिखा नहीं। हम गाड़ी सीधा चलाते हैं, पता नहीं दूसरे लोगों को कैसे मिल जाता है, मुझे तो नहीं मिला। कई लोगों की मैंने वीडियोस देखी, उनको रोड साइड अब बढ़िया मिल गया और उन्होंने आराम से सेब खाए, लेकिन हमें नहीं मिले यार। तो आई थिंक आज के लिए इतने काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट राइड में, जिसमें हम सीधा निकलेंगे घर। फिर से भगानी है लगभग 500 किलोमीटर, तो जर्नी थोड़ी नॉर्मल होने वाली है। तो बाकी देखिए, कुछ एडवेंचर होता है तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड राइड सेफ। वो था DJI Mavic Mini 2 का क्रैश।